विरोधी दल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करहल वीवीआईपी गेस्ट हाउस में देर रात आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि विरोधी दल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 प्लस सीटें लेकर आएगी। जिस तरह 2017 में विपक्षी दल सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर सभी दलों को धराशायी कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी वर्गों का भला किया है, इसलिए बीजेपी दोबारा 2022 में सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि 2019 में भी विपक्षी दलों ने जनता को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन जनता ने भाजपा को वोट देकर केंद्र में काबिज किया। इस दौरान जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय, तहसीलदार अरुण कुमार, राजस्व निरीक्षक अरविंद कुमार आदि प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी गई। सरकार बना था 2017 में, वही 19 में था और वही 22 में देखने को मिलेगा और आगे आने वाले चुनाव में भी 24 में देखने को मिलेगा। जो हमारे लोग सपने देख रहे हैं मेरी लाल के।